हेलो एवरीवन, वेलकम टू खुशी गुड लाइफ चैनल। फ्रेंड, आज हम इस प्लांट के बारे में बात करेंगे। इस प्लांट का नाम है सुदर्शन। जी, सुदर्शन है इस प्लांट का नाम और यह एक औषधि के रूप में काम करता है। तो मैं आपको इसके बारे में बताऊंगी कि हमारे औषधि के रूप में किस तरह से ये काम करता है। हमारे कान में दर्द या कान के आसपास सूजन हो जाती है कई बार हमारे कान में, तो यह एक दवाई के रूप में भी काम करता है। तो मैं इसके बारे में बात करूंगी, तो चलिए जान लेते हैं सबसे पहले इसके बारे में। तो मैं बात करती हूँ, ये एक आउटडोर प्लांट है और परमानेंट प्लांट है, और इस प्लांट को पानी की बहुत कम ज़रूरत होती है। आप चाहे तो आप इसको 10 दिन 15 दिन पानी ना दें तो भी ये सर्वाइव कर जाता है। और दूसरी इसकी बात करें तो इसमें पूरी साल फ्लावर आता रहता है, मतलब रुक रुक के, सर्दी में भी गर्मी में भी। और आप ये देखिए, इसका ये फ्लावर है, इसका फ्लावर निकल रहा है और गर्मियों में भी फ्लावर आता रहता है और बरसात में भी, मतलब पूरे साल इसमें ये फ्लावर आता रहता है। और इससे पहले फ्लावर आया था वो मैंने काट दिया है। और आप देखिए, ये इसकी डंडी सूख गई है, ये फ्लावर था और ये अभी सूख गया है, और उसके बाद ये नया फ्लावर आया है। सूखने के बाद ये इस तरह हो जाती है और ये टूटती नहीं है जल्दी से, काटने पर ही ये टूटती है। और मैं आपको बताऊँ तो ये प्लांट मैंने कहीं से ख़रीदा नहीं था, मैंने किसी से लिया था। और लिया भी क्या था मैंने, सिर्फ एक ये बेबी प्लांट ऐसे निकलते हैं ना, वो लिया था और वो मैंने मिट्टी में लगाया था। और उसके बाद तो आप देखिए ये कितना मोटा हो गया है। आप इसकी स्टेम देखेंगे तो बहुत ही मोटी इसकी स्टेम है। आप देखिए मेरे हाथ में भी, मेरे हाथ में पूरा कवर कर रहा है ये प्लांट, इतनी मोटी इसकी स्टेम हो गई है। और साइड में बेबी प्लांट तो इसके निकलते ही रहते हैं। आप देखिए, एक बेबी प्लांट है, ये दो है और ये साइड में तीन, और उधर मैं आपको घुमा के दिखाऊं तो चार, और उधर उधर भी निकले हुए हैं। तो इसके चार पांच अभी बेबी प्लांट निकले हुए हैं। और मेरे पास ये दो है बड़े बड़े ये वाले प्लांट, और इसके इसी से मैंने ये कई छोटे छोटे ना प्लांट बनाए हुए हैं, छोटे छोटे कई प्लांट बनाए हैं। और दूसरा मैं आपको बड़ा वाला, मेरा दूसरे वाला प्लांट जो कि एक बड़ी बाल्टी है, 20 लीटर की बाल्टी है, उसमें लगा हुआ है ये। और आप इसको तो देखेंगे तो ये तो मेरे हाथ में भी नहीं आता है, इतना मोटा है ये इसकी स्टेम। और ये पत्तियाँ सूख गई है तो कोई बात नहीं है, तो खाद के रूप में इनको मिल जाती है। तो आप ये देखेंगी यहाँ से बहुत ही मोटी इसकी स्टेम हो रखी है पूरी, ये देखिए मेरे हाथ में भी नहीं आ रही है, ये इतनी मोटी इसकी स्टेम है। और इसके भी आपको बेबी प्लांट दिखाऊं तो कितने सारे बेबी प्लांट निकलते हैं, पूरा कैमरा घुमा के दिखा रही हूँ मैं आपको, बहुत सारे इसके बेबी प्लांट निकलते हैं। आप पूरा देखिए यहाँ से, और आप देखिए कितने बड़े बड़े इसके ना बेबी प्लांट हो गए हैं। आप देखिए ये कितने बड़े बड़े हो गए हैं। और इसको निकालना पता है कैसे है, मैं इसको निकालूंगी तो इसको ना पूरा मिट्टी में से निकालना पड़ेगा, ये प्लांट ना पूरा मिट्टी में से निकालना पड़ेगा, पूरा पॉट से बाहर निकालना पड़ेगा, उसके बाद हमें ये अलग करने पड़ेंगे। बेबी प्लांट निकाला है ये, और इसमें तो रूट भी है, आप देख सकती हैं इसमें रूट भी है, और ये छोटा सा बेबी प्लांट है और बहुत ही आसानी से लग जाएगा। अगर इसमें रूट भी नहीं होती ना, ये जो दो रूट आई हुई है, ये भी अगर इसमें नहीं होती तो भी ये प्लांट बहुत ही आसानी से चल जाता, क्योंकि मैंने खुद लगाए हुए हैं बिना रूट के, रूट नहीं थी और उसके बाद भी मैंने लगाए हैं, तब भी ये प्लांट अच्छे से लग गए हैं और चल भी रहे हैं अभी। और इसको बस मिट्टी में लगा देना है, मैं किसी दूसरे पॉट में लगाऊंगी इसको। आप ये देखिए कितने सारे इसके बेबी प्लांट निकलते हैं, बहुत ही सारे बेबी प्लांट निकलते हैं। आप एक बार अपने गार्डन में ले आइए इस प्लांट को, उसके बाद तो आप ढेरों प्लांट बना सकती हैं, किसी को दे भी सकती है। अगर आपको किसी को देना चाहे तो आप इस प्लांट को दे भी सकती है, बहुत ही सुंदर लगने वाला प्लांट है। आप खुद दे सकती है कितने सारे इसके बेबी प्लांट, और कितने सारे हमारे पास ये प्लांट इकट्ठे हो जाएंगे। इसको हम डिवाइड करेंगे तो बहुत सारे हमारे पास ये प्लांट बन जाएंगे। और इसका एक वाइट कलर का फ्लावर आता है छतरी के रूप में ना, बहुत ही सुंदर फ्लावर आता है, और बहुत चौड़ा जैसे छाता होता है ना हमारे पास, उस तरह का ये
फ्लावर निकलता है और बहुत ही सुंदर लगता है इसका फ्लावर जब आता है तो। ये औषधि के रूप में भी काम करता है ये प्लांट। जैसे हमारे पास ये पत्ती है, इसकी सुदर्शन प्लांट की पत्ती है, अगर इस पत्ती को हम काट भी लेंगे ना, यहाँ से हमने हाफ काट ली है, जैसे हमने हाफ काट ली इस पत्ती को, यहाँ से तोड़ लिया है, मैं आपको तोड़ के दिखा दूँ, अभी कैंची नहीं, मैं हाथ से ही तोड़ रही हूँ, हमने यहाँ से इसको तोड़ लिया है और इसको साफ कर लेना है, पहले यहाँ से साफ कर लेना है इसको, आगे पीछे से कपड़े से साफ कर लेना है। उसके बाद आप गैस पे तवा रखिए और तवा रखने के बाद इसको हल्का हल्का ना इसके ऊपर रख दीजिए, तवे के ऊपर रख दीजिए, जब आपका तवा गर्म हो जाएगा तो उसके ऊपर आप रख दीजिए, और उसके बाद ये थोड़ा सा ना ऐसा सॉफ्ट सॉफ्ट सा हो जाएगा। उसके बाद हमें क्या करना है, हमें इसको थोड़ा सा ना ऐसे निचोड़ लेना है, जब ये सॉफ्ट हो जाएगा तो इसको टाइट करके ऐसे निचोड़ लेना है, और जो रस निकलेगा इसमें से रस निकलेगा तो वो हमें कान में डाल लेना है। अगर हमारे कान में दर्द होता है तो वो ये काम करेगा, वो अगर आप डालेंगे इसका रस डाल देंगे तो कान में बिल्कुल ठीक हो जाएगा, क्योंकि मैंने अजमाई हुई है, मैंने मेरे भी एक बार दर्द हो गया था तो मैंने इसको इसके रस को डाल लिया था और आराम हो गया था मुझे भी। तो ये औषधि के रूप में भी काम करता है ये प्लांट, बहुत ही हार्डी प्लांट है, आप इसको अपने गार्डन में ज़रूर ऐड कीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलूंगी ऐसी अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।